दोस्तों बांग्ला रोड एक बहुत ही फेमस जगह है फुकेट में। अगर आप फुकेट में घूमने जा रहे हो तो बांग्ला रोड में तो एक से दो दिन आपको रुकना ही चाहिए। बांग्ला रोड में आपको क्या क्या देखने का जगह मिलेगा, वीक में मीन्स हफ्ते में कौन सा दिन आप बांग्ला रोड का टूर प्लान कर सकते हो, बांग्ला रोड में आप क्या क्या नहीं कर सकते हो और बांग्ला रोड में मजा करने के लिए दोस्तों क्या क्या जगह है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों बांग्ला रोड एक बहुत ही जन्नत जैसा जगह है। अगर जो लोग इंडिया से थोड़ा सा मजा करने के लिए जाते हो, मौज मस्ती करने के लिए जाते हो, गाइज बांग्ला रोड इट इज़ ओनली फॉर यू पीपल। क्योंकि अगर आप सोचते हो मज़ा आप लाइफ में कर लिया है तो बांग्ला रोड में जाकर आपका तो लाइफ का पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। लाइफ का मज़ा किसको बोला जाता है, मौज मस्ती किसको बोला जाता है, बांग्ला रोड में जाकर ही दोस्तों एक्चुअल में आपको पता लगेगा। आपको वहाँ पर मिलेगा वो सब कुछ जो आप सोचते हो अपने सपनों में, जो आप पाना चाहते हो शिद्दत से। यस मेरे दोस्तों बांग्ला रोड एक ऐसा ही जगह है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में पहले आपको बोल देता हूँ बांग्ला रोड में आपको कौन सा दिन जाना चाहिए वीक में। एक्चुअली बांग्ला रोड तो हर दिन ही बहुत ही कलरफुल रहता है, बट बांग्ला रोड का जो जलवा है, खासकर इसका जो नाइट लाइफ है, देखने लायक रहता है दोस्तों शनिवार और रविवार, मतलब सैटरडे और संडे। तो अगर आप थाईलैंड में जा रहे हो, बांग्ला रोड फुकेट का प्लान कर रहे हो, तो फ्लाइट का टिकट ऐसे ही खरीदना मेरे दोस्तों, आपको सैटरडे संडे को ही आपको वहाँ पर रुकने का मौका मिले। और मैं लकी था, मैं पहुँच गया था फ्राइडे का इवनिंग, सैटरडे का पूरा दिन और संडे का पूरा दिन मैं जमकर मज़ा किया दोस्तों बांग्ला रोड में। दोस्तों दूसरा चीज़ बांग्ला रोड का टाइमिंग। दोस्तों बांग्ला रोड का ऐसा तो कोई टाइमिंग नहीं है, जब भी जाओ ये शहर ये जगह तो ऐसे ही मौज में रहता है 2400 घंटे। आप जब भी जाओगे बांग्ला रोड को देखोगे पूरा शबाब में, बट खास करके शाम के वक्त 4-5 बजने के बाद जितना ही ये शाम ढलता जाता है, बांग्ला रोड का ग्लैमर, बांग्ला रोड का जो नाइट लाइफ और बहुत ही खूबसूरत होने लगता है। बांग्ला रोड में दोस्तों आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, गाइस बांग्ला रोड में एक्सप्लोर करने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द मौज मस्ती। बांग्ला रोड में मिलेगा आपको बहुत सारा रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा थाई फूड, चाइनीज फूड, कॉन्टिनेंटल और इंडियन देसी फूड भी, जो भी चाहो खा सकते हो आप, जो भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा चीज़ बांग्ला रोड में आपको मिल जाएगा दोस्तों बहुत सारे बार, बहुत सारे पब्स और ये सभी ओपन है, मीन्स आप ओपनली आप वहाँ पर जाकर दारू शारू पी सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और तीसरा जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझको लगा, स्ट्रिपिंग ऑफ गर्ल्स। गाइज इंडिया में और सब कॉन्टिनेंटल कंट्री में तो आप ये सोच ही नहीं सकते हो स्ट्रिपिंग, और इंडिया में अगर स्ट्रिपिंग देखना चाहते हो आपको तो हज़ारों मीन्स 15,000 से 20,000 एक नाइट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। बट गाइज यकीन मानो बांग्ला रोड में ये सब कुछ फ्री है, ओपन टू ऑल है। रस्ते में खड़े होकर ही आप देख सकते हो ऑल गर्ल्स स्ट्रिपिंग विद देयर अट्रैक्टिव ड्रेसेस। दोस्तों इसीलिए लोग जाते हैं बांग्ला रोड में, इंडियन से नहीं पूरे दुनिया भर से लोग जाते हैं, लोग शराब पी के पूरा धूत हो जाते हैं, वो लोग सारे रात मस्ती करते हैं विथ थाई गर्ल्स। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट द रेड एरिया, दे आर नॉट द प्रोस्टिट्यूट, इट इज़ देयर आर्ट, इट इज़ देयर पैशन एंड इट इज़ देयर टूरिज्म। वहाँ पर लोग जो लड़की लोग आप देख रहे हो जो स्ट्रिपिंग करते हैं, जो लोग बार वाला है जो डांस करते हैं, दे आर नॉट द प्रोस्टिट्यूट। ऐसा नहीं कुछ इंडियन जाते हैं सोच करके वहाँ पर आपको प्रोस्टिट्यूशन का भी फैसिलिटीज मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पर एवरीथिंग इज टाइट, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, बाउंसर्स है, कुछ भी गलती उल्टा सीधा आप करोगे तो भाई बहुत मार पड़ेगा। तो जो भी करना है समझ के करना है आपको, डिस्टेंस मेंटेन करने का करना है आपको, किसी लड़की को तंग नहीं करना है, किसी को छेड़ना नहीं है। बांग्ला रोड के एक तरफ से दूसरे छोर तक जाने के लिए आपको लग सकता है 5 से 10 मिनट, हालांकि जगह बहुत बड़ा है और चारों तरफ आपको मिलेगा देखने लायक बहुत कुछ। आपको मिलेगा लाइव कंसर्ट, आप देख सकते हो आपका जो लोकल सिंगर्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर आर्ट, वो लोग गिटार लेकर, वो लोग पियानो लेकर, और बॉयज़ गर्ल्स दे आर शोइंग देयर टैलेंट ओपन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। घूमते घूमते अगर आप बियर शेयर पीना चाहते हैं वो भी पी सकते हो, और बियर का प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 50 फट, 50 थाई फट से शुरू होता है, उससे ऊपर भी है बट अकॉर्डिंग टू योर बजट। अगर आप थोड़ा सा बजट ट्रेवल हो मेरे तरह, आप थोड़ा सा कम रेट का भी बियर ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों बांग्ला रोड के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए आपको समय लगता है 5 से 10 मिनट। पतंग बीच का जो एरिया ये तो है बहुत बड़े जगह, बट बांग्ला रोड जो मेन बांग्ला रोड है
एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए इतना ही टाइम लगता है। और दोनों साइड दोस्तों आपको मिल जाएगा देखने लायक बहुत सारा एक्टिविटीज। खरीदारी करने के लिए दोस्तों आपको मिल जाएगा बहुत सारे शॉप। इस जगह पे आपको मिल जाएगा पूरा दुनिया भर के टूरिस्ट, आपको यूरोप से, यूएस से, यूके से, लंदन से, इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, सभी जगह से आपको मिल जाएगा बहुत सारे टूरिस्ट। और बहुत ज़्यादा इंडियन लोग भी आपको मिल जाएगा, दो लोकल है मीन्स वहाँ पर काम करते हैं डिफरेंट होटल्स में। तो अगर आप चलते चलते किसी इंडियंस को देखोगे हिंदी में बात कर रहे हैं, बंगाली में बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो देसी बंदे हैं वहाँ पर जस्ट काम कर रहा है। अगर आप भी चाहो उन लोगों के साथ बात कर सकते हो, थोड़ा सा इमोशन शेयर कर सकते हो। बांग्ला रोड में है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी करने का भी मौका। आपको वहाँ पर मिल जाएगा वर्ल्ड क्लास गेमिंग पार्लर, वहाँ पर जाकर आप गेम खेल सकते हो। अगर आपको गेम खेलना नहीं, अगर सिर्फ देखने के लिए जाओगे, कोई तो पैसा नहीं लगता है, जस्ट गेम सेंटर में घुस जाओ मेरे तरह। वहाँ पर गेम कैसा चल रहा है, कैसे लोग खेल रहे हैं, एंड डिफरेंट तरीके से गेम जो शायद ही आप इंडिया को इंडिया में देखने मिले, ऐसे गेम सेंटर गेम पार्लर आपको मिल जाएगा दोस्तों बांग्ला रोड में। और रस्ते में गाइस क्या बोलो, आपको वहाँ पर बहुत ऐसे स्ट्रीट एडवेंचरस आर्टिस्ट मिल जाएगा जो लोग डिफरेंट कलाबाजी दिखाते हैं। वो भी देखते देखते आपका कैसा एक दिन एक शाम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गाइज एज आई सेड एट द बिगिनिंग, बांग्ला रोड में जाना है आपको तो सैटरडे संडे ही थोड़ा सा प्लान करके जाना है। तो बांग्ला रोड का एग्जैक्टली जो जलवा है, बांग्ला रोड का जो ऐसे ही जो मजा है आप ले सकते हो। सो गाइज बांग्ला रोड का ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये सब वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए मुझको हेल्प करने के लिए। और गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।